हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल साक्षी फैमिली आर्ट एंड ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, ये लौकी का रायता फ्रेंड। हाँ, तो आज मैं इसी की रेसिपी बताने वाली हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने कद्दू को छोटे छोटे पीस में कट करके ऐसे बॉईल कर ली हूँ मैं। इसे कुकर में एक सीटी, बस ज़्यादा नहीं, बस 1 सीटी लगाने तक आप इसे बॉईल कर लो, फिर बंद कर देना। और जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसके पानी को, जब आप थाल को टेढ़ा करके रख दोगे तो सारे पानी निकल जाएंगे। तो इसी तरह से मैंने कर लिया है, इसे अच्छे से पानी को निकाल लिया है। जब ये बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है, क्योंकि कद्दू जब ठंडा हो तब भी इसे बना सकते हो, और ये सारे खाने का स्वाद बढ़ा देता है। तो आप एक ज़रूर ट्राई करना, गर्मियों में तो और भी बहुत ही फ़ायदा होता है। आप ज़्यादा मसाला ना खा के ये सब सब्जियां खा सकते हो, टेस्टी होता है और फ़ायदे भी होते हैं। तो आपको कद्दू के फायदे तो पते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने दही ले लिया है, ये मेरे घर का दही है। तो यहाँ पे मैं दही को अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और मैंने पानी नहीं डाला है, ये सिर्फ दही है। तो यहाँ पे देखिए मैंने और क्या क्या रेडी रखा है। तो यहाँ पे मैंने अदरक को ग्रेट कर लिया है, मिर्च को काट लिया, और ये नमक। तो नमक आपको थोड़ा फीका दिख रहा होगा, क्योंकि मैं हमेशा सिंधा नमक खाने में यूज करती हूँ फ्रेंड, तो इसलिए शायद आपको देखने में थोड़ा सा ये लगेगा, बट मैं हमेशा सिंधा नमक ही खाने में यूज करती हूँ, बहुत ही हेल्दी और फ़ायदेमंद होता है। और यहाँ पे मैंने राई ले लिया है, और इसे अच्छे से मैं कूट लूँगी। और आप चाहे तो ग्राइंड कर सकते हो ये सब चीज़ों को, बट मैंने इसे कट किया है। कट करने से इसका जब टेस्ट आता है मुँह में अदरक और मिर्च का, तो ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पे राई को मैंने अच्छे से कूट लिया है। तो बस कुछ नहीं करना है, बहुत ही ईजी है बनाना और खाना, और हेल्दी तो है ही। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड, बस मेरे कहने से और मेरे तरीके से एकदम ईजी वे में बनाइए। तो इस तरह से हमें सारे कद्दू को भी ले लेना है, और घिया भी बोलते हैं कोई कोई लोग, लौकी बोलते हैं, कद्दू बोलते हैं, आप क्या बोलते हो ज़रूर बताना। मेरे यहाँ तो कद्दू बोला जाता है और लौकी भी बोलते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने मिक्स कर लिया है, और अब मैं इसमें सारे सामान ऐड कर लूँगी। तो फ्रेंड, आप एक बात का ध्यान रखना, अगर आप जस्ट सारा फिनिश करने वाले हो, एक दिन के लिए बना रहे हो अगर लौकी का रायता, तो आप उसमें नमक ऐड कर सकते हो। बट आप 2 दिन के लिए बनाते हो, तो आप उसी टाइम जब खाना खाते हो उसी टाइम नमक ऐड करना। और यहाँ पे मैंने इसमें ये राई का जो मैंने कूट के रखा पाउडर, उसे भी मैं डाल दूँगी। तो इस तरह से इसे मिक्स कर लेना है, और बहुत ही टेस्टी और इजी होता है बनाना। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना फ्रेंड, और कैसा लगा आपको ये रेसिपी ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कमेंट से ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ये देखिए कितना अच्छा रेडी हो चुका है, और ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड। तो एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही इजी वे में बताई हूँ मैं, जैसे मैं बनाती हूँ बस वैसे ही बना के दिखाई हूँ। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, सारे खाने का स्वाद बढ़ाने वाला है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड, आप अपना ख्याल रखना। थैंक।